जय भोलेनाथ दोस्तों, 1:35 और मार्केट आपने देखा ही होगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था आज तो। लेकिन आप प्रॉफिट बुकिंग को टाइमली करिए क्योंकि मार्केट कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं दिखा रहा है। आज बैंक निफ्टी गिरना था, ये मैंने दावा किया था, हो गया काम, आप लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा है, बुक करिए। लेकिन सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने देखिए 420 का लो बना दिया, हो सकता है 300 भी आ जाए और जो टारगेट दिया 200 भी आ जाए, लेकिन अपना प्रॉफिट टाइमली बुक कर लीजिए। और आप लोग देखिए डॉक्टर रेड्डी कितना मार्केट करेक्शन हुआ, लेकिन डॉक्टर रेड्डी जो मैंने बाय कॉल दिया वो ऊपर ही आ रहा है। प्लस आप इसको देखिए, आइडिया को दो दिन पहले 8.70 रुपये पर आपको दिया गया और आज 9.95 आ गया। परसेंटेज टर्म्स में आप सोच सकते हो और इसकी लॉट साइज है 70,000 की, दिस इज़ कॉल्ड क्लास। दूसरा, आपको कल ओपन चैलेंज किया था कोटक बैंक के बारे में कि ये गिरेगा, ओपन चैलेंज आप देख सकते हो 1809 और ये मेरा टारगेट है 1793, ठीक है, वहाँ तक आएगा फिर मैं 1780 वगैरह मिलेगा तो मैं फिर से पोजिशनली बाई करूँगा 1950 के लिए। मतलब मार्केट में मैं मंदी में नहीं हूँ, लेकिन आज कन्फर्म था मुझे तो आज गिरा है, ठीक है। दूसरा, SBI का ओपन चैलेंज किया था, गिरा, 35 रुपये का लो आप दिख रहा है तो 40.60 रुपये कल का क्लोज था और कल की हाई को आज टच भी नहीं किया। कल की हाई थी 43.95 ऐसा कुछ था, 43.85, आज 42.80, लोअर हाई बनाया और लोअर लो की तरफ जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन टाइमली प्रॉफिट बुक करिए, होशियार मत बनिएगा बस। और आज क्या कॉल्स दिए वो भी वापस से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद भी मैंने कुछ दिया। तो ये तो आपको दिखाई दिया था, बैंक निफ्टी दिखा दिया था, तो 35,200 का टारगेट लगभग आ चुका है एक ही दिन में, ठीक है। वॉलेट 9.49 को लिखा था, वॉलेटाइल काफ़ी रहेगा मगर एक डिप जरूर आएगा, उसका फ़ायदा उठाना है। डॉक्टर रेड्डी 81 पे दिया था, अभी भी 93 चल रहा है, ठीक है। SBI मैक्सिमम 446 तक जा सकता है, लेकिन इसको फॉल करना ही पड़ेगा, ये 10:07 पर लिखा। फिर ये आपको नहीं दिखाया हुआ क्योंकि इसके पहले आपका वीडियो बन चुका था लास्ट, 11:08 पे सेल दीपक नाइट्रेट फ्यूचर्स 1749 पे पोजिशनल है ये, 1806 का स्टॉप लॉस, 1600 रुपये का टारगेट 15 दिन में। दीपक नाइट्रेट देख लेते, 1730 आ चुका है, 49 पे सेल दिया, 1806 का टारगेट, 1806 का स्टॉप लॉस, 1600 का टारगेट विद इन कितने दिन, अब 15-20 दिन का होगा टारगेट, 15 दिन, ठीक है। उसके बाद अभी एक दिया है, लेकिन ये आपको कोशिश करना इसके जितना नज़दीक मिले 2150 के। रिलायंस आपको मैं बता सकता हूँ 31 जुलाई तक आपको 2550 जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करना 2150 के जितना नज़दीक आपको बाई मिले बाई करना है। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा 2049, लेकिन ये पोजिशनल है, इसमें इंट्राडे के हिसाब से मत खेल लीजिएगा। तो मैं ओवरऑल तो तेज़ी में ही हूँ, लेकिन आप टाइमली प्रॉफिट बुक करिए। निफ्टी भी आप देखो, ये 750 में दो तीन दिन से गाना गा रहा था तो आज आया 756 और वहाँ से आप देख सकते हो 100 पॉइंट लगभग गिर गया था 665। तो आज मैं बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा बियरिश था, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो निफ्टी भी एक बार 620-630 तो आना चाहिए, लेकिन सावधानी अभी रखने का ज़रूरत है आपको, क्योंकि जो पैसा आपके घर में मिल चुका है उसको बांध के एक PL, सबको याद होगा मैंने 1930 का टारगेट दिया था, आज 1930 भी पहुंच गया, आज भी ये 75 रुपीज़ 78 रुपीज़ बढ़ा है। PEL पीरामल इंटरप्राइज लिमिटेड। तो बस यही है आज का, आज शुक्रवार है, जितना हो सके खाली होके जाइए और प्रॉफिट को बांध के जाइए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।